हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ई टैग ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम एक वेरिफिकेशन सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ई टैब की हेल्प में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन और इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे कि हम जाते हैं वेरिफिकेशन में। इस वेरिफिकेशन में क्या है, ई टैब कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो अगर हमारे सॉल्यूशन उनसे मैच करते हैं तो मतलब हमें ई टैब आ गया है और हम सही कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन को हम प्लस पर क्लिक करके खोलते हैं तो इसमें आता है ये सब। तो इसमें दिया हुआ है एनालिसिस और डिज़ाइन दिए हुए हैं कुछ, तो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें करेंगे। तो एनालिसिस को जब मैं खोलता हूँ तो इसमें फिर 15 प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 15 प्रॉब्लम है एनालिसिस की। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी स्टेटिक ग्रेविटी लोड, ये हम मैं करा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हैं वेरीफिकेशन नाम से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को क्लोज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है डायनामिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो सेकेंड एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं क्या होता है। तो ये तो सेकेंड एग्जाम्पल है, आपको पता है डायनामिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सिस्मिक एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में हमें देखना होता है कि बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के हर फ्लोर पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, किस वाइब्रेशन पैटर्न में, जिसको बोलते हैं मोड शेप। यानी कि मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर जब अर्थक्वेक आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि 5 तरीके से वाइब्रेट हो सकता है। जो फर्स्ट तरीका है वाइब्रेट हो रहा है उससे हर फ्लोर में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और टाइम पीरियड क्या है, सेकेंड वाइब्रेट का तरीका जो है उसमें। तो जो तरीके हैं वाइब्रेट के, पैटर्न जो है वाइब्रेशन के, इनको बोलते हैं मोड शेप, ठीक है। तो हम डायनेमिक रिस्पॉन्स में हम अपने स्ट्रक्चर के मोड शेप कैलकुलेट करेंगे और हर मोड से पर कितना टाइम पीरियड है और हर फ्लोर पर उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एग्जांपल 2 पे और ओके करता हूँ। तो एक पीडीएफ खुलेगी अभी, आप आई थिंक डबल क्लिक करना था। दोबारा जाते डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन एनालिसिस, सेकंड पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, ये आ गया। तो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो एग्जांपल क्या है, 2 है, इसमें 3 स्टोरी प्लेन फ्रेम है, डायनामिक रिस्पांस किया हुआ है, ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3 स्टोरी। देखिए इसमें काम की चीज़ ये है, एल सेंट्रो 1940 सीज़मिक रिस्पांस स्पेक्ट्रा एनएस, यानी कि हमें डायनामिक के लिए, हमने बताया था कि डायनामिक एनालिसिस या कोई भी सीज़मिक एनालिसिस करते हैं तो हम अपने बिल्डिंग को एक वाइब्रेशन का पैटर्न, यानी कि सुनिए तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारा ग्राउंड वाइब्रेट होता है, ठीक है। अर्थक्वेक आया तो ग्राउंड हमारा ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, तो इस वाइब्रेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने सिस्मोग्राम जैसे इंस्ट्रूमेंट से। तो ये कह रहा है कि जो मैक्सिको में जो एल सेंट्रो नाम का जो अर्थक्वेक आया था 1940 में, उसका डाटा अप्लाई किया हुआ है इन्होंने इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो डाटा हम डाउनलोड करेंगे, ओके। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कॉलम का साइज, बीम का साइज, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, टिपिकल मास स्टोरेज, ठीक है। और ये इसका एलिवेशन दिया हुआ है 36 फीट, 12 फीट, 12 फीट, 12 फीट, ठीक है। और ये इसका रिजल्ट है, ये ई टैप का रिजल्ट है, ये थियोरेटिकल रिजल्ट है, और यहाँ पे आएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, हम करते हैं ये मोड सेप है, फर्स्ट मोड, यानी कि 3 पैटर्न हम लेंगे, फर्स्ट पैटर्न वाइब्रेशन में का टाइम पीरियड ये होगा और हर फ्लोर पे इतना इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये वेरीफाई किया हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी है उसने, तो ठीक ही होगा। तो चलिए हम भी इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ग्रिड चाहिए, 36 फुट की विड्थ और 12 फीट के फ्लोर, 3 फ्लोर। तो चलिए स्टार्ट, न्यू मॉडल, यहाँ पे मैं यूएस से ले लेता हूँ यूनिट, क्योंकि हमें फीट और किलो पाउंड में काम करना है। ओके किया हमने, ये आ गया। तो हमारी विड्थ हम ले लेते हैं 36 फीट
ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं 2, वाई में 1, और 12 12 फीट के 3 3 स्टोरे, समझ गए, 12 12 फीट के 3 स्टोरे, 36 फीट की विड्थ एक्स में और 2 यानी कि 1 स्पैन, और ग्रेड ओके। अभी ग्रेड आ जाएगी यहाँ पे, तो देखिए हमारी ग्रिड बन चुकी है। ग्रिड बनने के बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास मटेरियल डिफाइन करना है। ठीक है, तो मटेरियल डिफाइन करते हैं, तो ग्रिड बन चुकी है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है मटेरियल डिफाइन करना। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं और मटेरियल डिफाइन करते हैं। केवल इलास्टिक मॉडल्स दिया हुआ है, तो हम एक मटेरियल डिफाइन करते हैं जिसका इलास्टिक मॉडुलस इतना हो। तो डिफाइन मटेरियल, एड न्यू, अमेरिकन स्टील ले लेते हैं जो है, इसका डाल देते हैं एमपी टाइटल, स्टील डेंसिटी यहाँ पे इसकी इलास्टिक मॉडुलस कर देते हैं ये 295, ठीक है ओके, एमपी बन गया। मटेरियल के बाद बीम का साइज, बीम गिवन दिए हैं इसमें 24 इंच डीप, यानी कि 1 फीट डीप, केवल विड्थ दी हुई है, डेप्थ दी हुई है सॉरी, तो विड्थ हम ले लेते हैं 1, ओके 1 इंच विड्थ ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, डिफाइन सेक्शन क्रॉस सेक्शन, एड न्यू रेक्टेंगुलर, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं बीम, मटेरियल एमपी और सेक्शन टाइप जनरल, ओके, और यहाँ पे डेप्थ कितनी दी हुई है गिवन 24, और 1 इंच विड्थ हम एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा ऐसा क्योंकि डेप्थ दी गिवन है और विड्थ नहीं, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, केवल डेप्थ जो है हमारे बीम की वही हमारा एनालिसिस का पार्ट है, तो हमने एज्यूम कर ली 1 इंच, ओके बीम आ गया। एक कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, कॉलम प्रॉपर्टी दे भी नहीं देंगे तो हम एनालाइज नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा है कि इस प्रॉब्लम में एक लाइन कॉलम इज ए लाइन बी ओनली, आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा देखिए ऑनेस्ट लाइन, तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 इंच का ले लेते हैं कॉलम, यहाँ जनरल कर देते हैं, ठीक है ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इनको असाइन कर देते हैं, बीम लिया मैंने और यहाँ पे मैंने बीम सेट किया, ये अप्लाई हो गया, ऑल स्टोरेज कर देते हैं यहाँ पे, फिर अप्लाई करते हैं, फिर सारे बीम बन जाएंगे, और उसके बाद कॉलम लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है पीसी, हमने कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कॉलम, और हमने कॉलम भी यहाँ पे लगा दिया। के बाद हमने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट अप्लाई की, देखिए यहाँ पे कॉलम दिखा नहीं रहा है, बहुत पतला दिखा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करें, मैं इस पे जाता हूँ टिक पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ लेबल्स, ठीक है इससे इनके नाम लिखे आ जाएंगे ऊपर। तो हमने क्या दिया है, B1 B1 C1 C1, हमारे कॉलम का नाम तो ये नहीं था ना, बीम का नाम ये था, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बीम सेलेक्ट करे, असाइन फ्रेम सेक्शन बीम,
ओके, ये आपका यूनिक आईडी होती है, ठीक है? तो यूनिक आईडी चेक करते हैं, यूनिक नेम, सॉरी सेक्शन नेम होता है। भीम भीम भीम, ओके यहाँ पे हमारा भीम सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था कॉलम। तो असाइन फ्रेम कॉलम, देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, मैंने एक बीम सेक्शन डिफाइन किया, एक कॉलम, अप्लाई करते वक्त हैंग हो गया था, जिसकी वजह से है ना यहाँ पर भी हमारे कॉलम में बीम वाली प्रॉपर्टी चली गई थी, ठीक है? तो इसलिए मैंने दोबारा से कॉलम सेलेक्ट करो और असाइन कर दी बीम वाली प्रॉपर्टी, हो चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन में मैंने मटेरियल हो गया, सेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, डायनेमिक के लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में डाटा लिया है उसने, वो लिया है ये एल सेंट्रो नॉर्थ साउथ कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, अब गूगल पे पेस्ट करता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट किया तो ये पहली देखिए एल सेंट्रो अर्थक्वेक, दरअसल एल सेंट्रो मैक्सिको में एक अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में जो हमारा सिस्मोग्राम इंस्ट्रूमेंट था वो अर्थक्वेक के फॉल्ट के पास था, जिसने बहुत अच्छा डाटा रिकॉर्ड किया था, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये एल सेंट्रो एन एस डाटा, इस पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया टेक्स्ट, मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया कंट्रोल से और एक नोट पैड बनाया, ठीक है? जैसे कि है मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है पहले से, तो इस नोट पैड का नाम ऐसे डालना है आपको, एल सेंट्रो डॉट डी ए टी, ठीक है? एल सेंट्रो डॉट डी ए टी। इसके बाद हमने क्या किया, हम गए डिफाइन एंड सॉरी ये मेरा थोड़ा हैंग होकर चल रहा है, पीसी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में गया और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको फाइल, क्योंकि हम फाइल से ले रहे हैं डाटा, ऐड न्यू पे करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी और यहाँ पे ब्राउज से हम उसको ऐड कर लेते हैं, डेस्कटॉप एल सेंट्रो, ये देखिए ये रहा नोट पैड और ये आ गया यहाँ पे। देखिए पहले इसको एक बार समझ लें, फंक्शन हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डायनेमिक एनालिसिस के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हमारा टाइम पीरियड वर्सेस एक्सेलरेशन का डाटा है, जो हमने कहाँ से डाउनलोड किया है, जो मैक्सिको में अर्थक्वेक आया था वहाँ का डाटा हमने गूगल से डाउनलोड करके इम्पोर्ट किया है, ठीक है? डैम्पिंग रेशियो 5% होती है कंक्रीट के लिए, ठीक है? अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, स्टील के लिए नहीं होती, कंक्रीट के लिए होती है, और जबकि हमने बीम कॉलम किस चीज़ के लिए, स्टील के, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं है, बता दो प्रॉब्लम में गिवन है कि डैम्पिंग रेशियो 5% लेनी है, ठीक है? यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करना है तो ये डाटा इस फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे ओके कर देना है, ये फंक्शन वन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मास, ठीक है? तो मास में हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन डिफॉल्ट है वही रहने देना है। उसके बाद हम जाते हैं लोड पैटर्न में, ठीक है? लोड पैटर्न में हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें सेल्फ वेट तो ले ही नहीं रहे हम, है ना, क्योंकि तो हमने इस डेड लोड को मॉडिफाई किया और यहाँ पे जीरो करके फिर मॉडिफाई कर दिया, तो डेड सॉरी मॉडिफाई यहाँ पे जीरो किया फिर मॉडिफाई, तो डेड लोड में सेल्फ वेट का मल्टीप्लिकेशन वन हो गया, ठीक है? इसे ओके कर दिया, फिर हमें जाना है डिफाइन लोड पैटर्न, सॉरी लोड केस, लोड केस में हमने एक नया लोड केस बनाया एट न्यू और यहाँ पे डाल दिया आर एस पी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, और टाइप क्या होगा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन ऐड करते हैं ऐड एक्सलरेशन यू वन यानी कि एक्स डायरेक्शन में, और ये जो फंक्शन हमने फंक्शन वन जिसमें हमने डाटा इंपोर्ट किया था वो है स्केल फैक्टर, आपको पहले बताया आई आर बाई टू होता है, लास्ट वीडियो आप डायनेमिक रिस्पॉन्स के देख सकते हैं, तो मैंने बताया कि फैक्टर कहाँ से आता है, ठीक है? ओके कर देंगे, ये आ गया आर एस पी रिस्पॉन्स, ठीक है? उसके बाद आपको केवल एनालिसिस कर देना है, ठीक है? एनालिसिस करने के बाद हमें चेक करना है ये चीज़ें, सॉरी ये डाटा जो है इससे मैच होता है नहीं होता, क्या गिवन है कि जो फर्स्ट पैटर्न है वाइब्रेशन का उसका टाइम पीरियड इतना है, रूफ पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, सेकंड फ्लोर पे इतना है, फर्स्ट फ्लोर पे इतना है, ठीक है? तो चलिए एनालिसिस कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसे।
एनालिसिस हो रहा है ये, तो एनालिसिस हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट एनिमेशन आ चुका है। तो अब मैं हम जाएंगे डिफॉर्मेशन शेप और यहाँ पे मोड पे जाएंगे, ठीक है, और मोड वन ओके करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मोड वन और उसका टाइम पीरियड कितना है, 0.441। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मोड वन और 0.441, ठीक है। अब देखते हैं रूफ पे डिस्प्लेसमेंट है 1.165, ठीक है। तो मैं रूफ पे अगर माउस के कर्सर को ले आता हूँ तो यू वाई डायरेक्शन में देखिए कितना आ रहा है, 1.655, देख रहे हैं आप यहाँ पे। इसी तरह हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.934 और 0.51, इतना ही यहाँ पे आ रहा है। मोड सेकंड देखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, सेकंड मोड पे है 0.158 टाइम पीरियड, 0.157 लगभग उतना ही, ठीक है। और ये है मोड थ्री। अगर इसका एनिमेशन करते हैं तो देखिए इस तरीके से ये वाइब्रेशन होगा। तो मोड का मतलब है कि जब अर्थक्वेक आएगा उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमने आयल सैंड प्रो का दिया है, तो हमारी बिल्डिंग इस तरह से वाइब्रेट कर सकती है और उस पर इतना इतना डिफॉर्मेशन आ सकता है, तीन तरह से वाइब्रेट कर सकती है। तो ये था वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि शायद मैं सही से समझा नहीं पाया हूँ इस वीडियो में, तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि देखिए स्टैट ई टैप का जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है, हेल्प में जाते हैं वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन प्रॉब्लम दी हुई है, इस कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम वेरीफाई की हैं सॉफ्टवेयर से। उसका ही सेकंड एग्जांपल है जिसमें एक थ्री स्टोरी प्लेन फ्रेम पर डायनामिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया है और उसके रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी स्टोरी उसी मॉडल को बनाया, पहले ग्रिड बनाई 36 फीट विड्थ और ये 12-12 फीट के आपके स्टोरी हमने डिफाइन कर ग्रिड बना ली। उसके बाद मटेरियल की बात आई, हमने मटेरियल कोई भी एक स्टील मटेरियल ले लिया जिसका हमने मोडल इलास्टिसिटी इतना कर लिया जो गिवन है। उसके बाद हमने बीम डिफाइन की, तो बीम का इसमें डेप्थ दी हुई है 24 इंच, विड्थ नहीं की मैंने, हमने एज्यूम कर ली 1, ठीक है। तो अब मैंने 1 ही क्यों एज्यूम की, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, इस प्रॉब्लम में सारी कोई कमी है। मैंने जब इस प्रॉब्लम को वेरीफाई किया था उन्होंने बहुत टाइम लगा था, पूरा दिन लग गया था, जिसमें मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी देख के अलग अलग चीज़ें देख के मैंने मेल किया था CSI वालों को, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे विड्थ जो है 1 इंच लेनी है, ठीक है। उसके बाद कॉलम का साइज ये गिवन है बट ये इसमें एरर है, कॉलम का साइज 1/1 इंच है, ठीक है, क्योंकि मैं CSI वालों से बात कर चुका हूँ। उसके बाद जब हमने ये सब डिफाइन कर दिया तो ये हर फ्लोर पर ऑटोमेटिक ये फोर्स लोड आ जाएगा, तो इसको कोई लगाना नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो हमने ग्रिड बनाई, कॉलम बीम का साइज़ दिया, मटेरियल बना दिया, फिर हमने वो डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो जब हमारा मॉडल बन गया अब उसके बाद हमें डिफाइन करना होता है फंक्शन। तो हमने फंक्शन या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में यहाँ पे ऐड फाइल किया और फाइल से हमें ये फाइल कहाँ से मिली हमें, मैंने इस डाटा को इस लाइन को कॉपी किया गूगल में, जिससे जो फर्स्ट साइट खुली उसमें मुझे इसका डाटा मिल गया, उसको मैंने नोटपैड में कॉपी किया और यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया। फिर मैंने एक लोड पैटर्न दिया जिसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा मैंने फाइल ली, देखिए यहाँ से देते हैं, लोड केस सॉरी, इसमें हमने ये बनाया था रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा सेलेक्ट किया, एक्सेलरेशन यू वन यानी कि वाई डायरेक्शन, ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा फैक्टर है, ओके करके एनालाइज कर दिया। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे क्लिक करके मोड पे जाके हमने यहाँ पे जो इस यहाँ पे लिखा जाता है मॉडल और फ्रिक्वेंसी, और माउस को हम जिस जॉइंट पे ले आएंगे वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बता दिया उसने, फिर हमने इस प्रॉब्लम से मैच किया तो हमारा रिजल्ट मैच हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।